आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी के हम इतने आदी हो गए हैं कि कोई भी काम हम बिना टेक्नोलॉजी के या किसी गैजेट के या किसी मशीन के हम नहीं कर पाते हैं। एक ज़माना था कि भाई हमारे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट या ऐसा गैजेट नहीं होता था जिसके बगैर भी हम अपने काम कर लेते थे। और पहले ज़माने के लोगों को तो आप जानते हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, ये सब उस टाइम पे नहीं, इनके सामने कुछ भी ऐसी चीज़ थी। आज हमारे सामने ये सारी टेक्नोलॉजी आ गई और बहुत तेज़ इंप्लीमेंट होती चली जा रही है, बहुत तेज़ी से। यानी बहुत तेज़ी का मतलब बहुत तेज़ी से पिछले 10 से 20 सालों में कितना इंप्लीमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में, आप बहुत देख सकते हैं। एक ज़माना था कि भाई हमारे पास फैमिली में एक फ़ोन हुआ करता था, आप देख सकते हैं मेरे पास भी एक फैमिली का फ़ोन है, बहुत पहले यूज़ होता था मेरी फैमिली में। और मेरा जो फैमिली में सबसे पहला फ़ोन था लैंडलाइन था, जो वायर वाला था, उसे हम कहीं लेके नहीं जा सकते थे। मतलब कि एक जगह रखा है, जैसे कि अभी मैं एयर टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे बात करूंगा, तो ऐसा उसमें एक बेस स्टेशन है, वो भी एक जगह रखा रहेगा। इस तरीके से पहले क्या था, वो पहले टेक्नोलॉजी आपका जो लैंडलाइन फोन था वो सिंपली आपका एक जगह रखा रहता था, वहीं पे ग्रुप में बैठ के फैमिली के साथ सबसे बात करना होता था, मतलब कि रिश्तेदारों से दोस्तों से बात कर लेते। लेकिन हमें तो आज के टाइम पे चुपके चुपके बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे था लगभग सन 2000 के समथिंग में, सन 2000 या 2002 के आसपास, मुझे तो इतना याद नहीं है। उस टाइम पे लैंडलाइन लगा था जो वायर वाला आता था। उसके बाद कुछ दिनों में जब टेक्नोलॉजी बढ़ी और फ़ोन आने स्टार्ट हुए, तो इस तरह के फ़ोन हमने यूज़ करे जिसमें बारीक पिन यूज होती थी, यानी पतली पिन का चार्जर यहाँ पे यूज होता था। आप समझते होंगे कि भाई फैमिली में एक चार्जर होता था और उसी से सारे फ़ोन चार्ज होते थे। सारे क्या, एक फ़ोन तो होता था और होता ही नहीं था। अगर आपके पास फ़ोन आ जाता था, कभी एक फ़ोन आ गया हमारे पास, तो भैया पूरे मोहल्ले में कि भाई उसके पास वो फ़ोन हैगा, उसके पास वो फ़ोन हैगा। तो इस तरीके से वहाँ पे उस टाइम पे होता। तो आज के टाइम पे आप कितना भी बड़ा यहाँ पे स्मार्टफोन ले लो और कितना भी महंगा यहाँ पे ले लो, कोई भी नहीं पूछता है ऐसा तो मेरे पास है और ऐसा तो मेरे पास है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एयर टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या है इसका कॉन्सेप्ट और ये किस तरीके से काम करता है, और क्या आपको मतलब कि कब तक ये देखने को मिल सकता है, और क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, सारी चीज़ें आज की वीडियो में यहाँ पे हम जानेंगे और बात करेंगे इसी टॉपिक पर। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे इस तरह की टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके लिए मैं लाता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं इसी कॉन्सेप्ट के बारे में जो हमारा एयर टेक्नोलॉजी आई है, मतलब कि एयर चार्ज यहां पे आया है, मतलब कि हवा में चार्ज। पहले होता था फ्री स्टाइल, अब हवा में चार्ज। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूं तो भाई आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कमेंट में और पोल सेक्शन में, मैं इसी के साथ दे दूंगा कि भाई आपका जो फैमिली में सबसे पहला डिवाइस था, गैजेट था, मतलब कि स्मार्टफोन, स्मार्टफोन तो नहीं फीचर फोन, जो मेरे पास इस तरह का फीचर फोन है, कि आपके पास भी ऐसा फोन था या इससे भी अलग कुछ था, तो मुझे कमेंट में या मुझे पोल सेक्शन में जाके बताएं। तो दोस्तों एयर टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, जो एयर चार्ज यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, ये क्या है, किस तरीके से यहाँ पे काम करती है। तो एयर टेक्नोलॉजी आप मान लीजिए आपका एक बेस स्टेशन है, अपने अपने रूम में एक बेस स्टेशन लगा लिया है, मतलब कि उस वो मतलब कि आपको जो है बेस स्टेशन, वो जैसे आप अंदर एंटर करेंगे, मतलब कि अपने रूम में एंटर किया आपने और आपके हाथ में फ़ोन है और आप बैठ गए सोफे पर आराम करने, थके हारे आए और फ़ोन ऑटोमेटिकली चार्ज होने लग गया है। बेसिकली ये कैसे काम करता है मैं बताऊँ आपको। जो वो बेस स्टेशन लगा हुआ है उसमें नेविगेट करने के लिए जो आपका डिवाइस है, उसमें भी कुछ ऐसे एंटीनाज लगे हुए होंगे जो उसमें कम्युनिकेट करेगा कि कितनी डिस्टेंस पर आपका डिवाइस और आपका बेस स्टेशन है। वो अगर एक प्रॉपर जो सुटेबल है, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके दायरे में अगर है, तो वो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली वहाँ पे चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप मतलब कि आराम कर रहे हैं और देखेंगे अभी मेरा फ़ोन 10% था, 15 हो गया ऑटोमेटिकली, कितना खुशी, विदाउट वायर के। आज के टाइम पर आप समझ रहे हैं 18 वॉट, 22 वॉट, 27 वॉट और 65 वॉट का ज़माना है, और यहाँ पे समझ कितनी फास्ट चार्जिंग एकदम से हो जाती है। दोस्तों तो यहाँ पे जो बेस स्टेशन है, इसमें जो मेन है, यहाँ पे 144 एंटीनास लगे हुए हैं जो मिलीमीटर वेव्स को ट्रांसमिट करेंगे आपकी डिवाइस में, और उसमें उस जो एंटीनास आपके डिवाइस में लगे हुए होंगे उस मिलीमीटर वेव्स को कन्वर्ट करेंगे किसी सर्किट से या कैसे भी उसे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके आपके फ़ोन को चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे एक डाउट्स क्लियर यहाँ पे होने को मैं बता दूँ, यहाँ पे मेरा भी एक डाउट है, ये आगे फ्यूचर में पता चलेगा या नहीं चलेगा, पूरा पता चल जाएगा कि भाई आपका मान लीजिए 0% डिवाइस हो गया, मतलब कि आपका स्विच ऑफ फ़ोन है, ये डिसएडवांटेज की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, जो कन्फ्यूजन बनेंगे लोगों के दिमाग में कि भाई आपका फ़ोन 0% पे है, 0% पे मतलब कि स्विच ऑफ पड़ा है। अगर आप उस एरिया में आएंगे जो आपका चार्जिंग बेस स्टेशन है, उस एरिया में अगर आएंगे, तो क्या वो उस सिचुएशन में आपका फ़ोन चार्ज कर पाएगा
या नहीं कर पाएगा, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो यहाँ पे आपका मतलब आप समझ गए होंगे, जो आपका बेस स्टेशन है वो मिलीमीटर वेव्स को ट्रांसमिट करेगा आपके फोन में, जो कम्युनिकेट करेगा आपस में कि कितनी मीटर डिस्टेंस है, 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर जो भी डिस्टेंस में रखी हुई है उसमें कम्युनिकेट करके जो उसकी जो पर्टिकुलर आपकी कितनी भी डिवाइस हो, मल्टीपल डिवाइस को भी उससे चार्ज कर सकते हो। मतलब जो मिलीमीटर वेव्स है वो वाइड निकालेगा, मतलब वाइड उसके आपको फोन की तरफ मतलब ट्रांसमिट करेगा, उसे कन्वर्ट करके आपको इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करके देगा, मतलब कन्वर्ट करके चार्ज कर देगा। और उधर जो अभी आपको बता दें, एक और यहाँ पे मोटोरोला ने जो निकाला है, आपने देखा होगा बेस स्टेशन रखा हुआ है 80 सेंटीमीटर पे और 100 सेंटीमीटर पे डिवाइस रखी हुई है, दो मल्टीपल। अगर हम उसके बीच में कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट लाते हैं जिससे जो मिलीमीटर वेव्स हैं वो रुक रही हैं, तो वो इंस्टेंट बंद हो जा रहा है, और जैसे हम उस ऑब्जेक्ट को हटाते हैं वहां से तो इंस्टेंट से फिर से चार्जिंग होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो दोस्तों इस टेक्नोलॉजी में नई नई टेक्नोलॉजी है, नया कॉन्सेप्ट है, तो इसे मतलब कि इम्प्लीमेंट होने में मैंने इम्प्लीमेंट जो होगा मतलब कि इसमें सुधार होगा, अभी तो पहले आया ही नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये प्रैक्टिकली हो चुका है। तो अब देखते हैं 2021 में ही आपको देखने को मिलेगा या नेक्स्ट ईयर में 2022 में आपको देखने को मिलेगा। तो देखेंगे क्या है इसके एडवांटेज आएंगे, क्या इसकी कॉस्ट रहेगी, क्या भाई कौन मतलब कि कितना लेवल रहेगा, किस तरीके से ये काम करेगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि भाई आप रूम में एंटर करो और आपका फ़ोन इंस्टेंट ऑटोमेटिकली चार्ज हो रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो प्रैक्टिकल्स हैं, रिसर्चेस होती हैं और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीपली होते हैं। मतलब कि कितना समय लगा होगा इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, मतलब कि आपसे नहीं, आप तो आपके सामने रिवील कर दिया है, लेकिन कितने समय से इस पे काम हो रहा होगा वो आप समझ रहे होंगे। तो फिलहाल के लिए इतनी ही आपके लिए जानकारी थी, आगे कोई भी इस तरह की जानकारी अगर आएगी इसी से रिलेटेड तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन कॉल पर क्लिक करके रखना, और आप तो जानते ही हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगर वीडियो आप चाहते हैं, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, और नहीं लगता है वो भी मुझे कमेंट में बताना क्यों अच्छा नहीं लगता है, कहाँ मैं गलती करता हूँ, अगर आपके लिए मैं नहीं सुधारूँ उसे तो यार क्या बात है, क्या बात है क्या, सुधार लूँगा भाई आपके लिए। अगर आप कोई अगर गलती मुझसे होती है तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं हूँ। चलिए दोस्तों मैं पोल सेक्शन रख दूंगा, आप मुझे पोल सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आपके फैमिली में सबसे पहला डिवाइस या गैजेट कौन सा था, लैंडलाइन या ये फीचर फ़ोन जो मेरे हाथ में है देख लीजिए कौन सा था, मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करके बताना कौन सा आपका फ़ोन था। दोस्तों वीडियो में था इतना ही, अच्छा लगा लाइक करना, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।